संत गणिनाथ राजकृष्णनाथ उत्तर महाविद्यालय मोहम्मदाबाद गोहना मऊ व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है सामाजिक संदर्भ में धर्म एवं राजनीति का संक्षिप्त अध्ययन। हम सभी धर्म के बारे में जानते हैं। जनरली कहा जाता है कि धर्म एक अलौकिक शक्ति में विश्वास है, पर समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है जो कर्तव्यों की एक भूमिका है जिसके आधार पर एक समाज की संगठित व्यवस्था संरचित की जाती है। हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, वो हमारे समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में हमारा धर्म कहलाता है। तो धर्म एक राजनीति एक दूसरे के परस्पर मूलक हैं, वे अलग नहीं हैं, दोनों की दिशा एक होनी चाहिए। धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है। हर देश काल और परिस्थिति में धर्म के मूल्य शाश्वत रहते हैं और इन्हीं पर सामाजिक व्यवस्था टिकी रहती है। इनका पालन होना चाहिए, परंतु कुरीतियों से बचना चाहिए। धर्म को पूजा पद्धति से नहीं जोड़ना चाहिए। पूजा पद्धति तो व्यक्ति की व्यक्तिगत होती है। किसी को भी अपनी पूजा पद्धति किसी पर थोपने का अधिकार नहीं है। धर्म का असली तात्पर्य है कि बिना स्वार्थ के ऐसे कार्य करना जिससे सब जीवों का कल्याण हो और सभी की रक्षा हो। धर्म सदाचार और नैतिक मूल्यों के प्रति हमें आग्रही बनाता है। धर्म पर व्यक्तिगत और समाज का जीवन टिका रहता है। धर्म एक ही है, हम उसे मानव धर्म कहते हैं। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म के साथ व्यापक धारणात्मक व्यवस्था जुड़ी है धर्म के कर्तव्य सदाचार और नैतिक मूल्यों का पर्याय है। ब्रह्मांड में चर अचर जो भी है उसका अपना धर्म है। वायु अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेगी और जल अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेगा तो क्या व्यवस्था संचालित हो पाएगी? धर्म और राजनीति दोनों के उद्देश्य समान हैं। जब उद्देश्य में विरोधाभास हो, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव हो, तो कठिनाई होती है। यहाँ दोनों का उद्देश्य लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है। धर्म और राजनीति दोनों परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। धर्म अलग करने में नहीं बल्कि सभी को जोड़ने में विश्वास रखता है। राजनीति का अर्थ होता है दूसरों को कैसे जीत लूं और धर्म का अर्थ होता है स्वयं को कैसे जीत लूं। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों विपरीत हैं। धर्म फैले तो राजनीति अपने आप सिकुड़ जाएगी, धर्म न फैले तो राजनीति फैलती ही रहेगी। आदमी जीतेगा, जीतने की आकांक्षा आदमी के प्राणों में है। अगर अपने को नहीं जीतेगा तो दूसरों को जीतेगा। धन्यभागी वे हैं जो स्वयं को जीतते हैं, क्योंकि स्वयं को जीतकर ही परमात्मा के मंदिर का द्वार खुलता है, शाश्वत जीवन उपलब्ध होता है। और अभागे वे हैं जो दूसरों को जीतने में लगे रहते हैं, दूसरों को जीत ही नहीं पाते, दूसरों की जीतने की चेष्टा में स्वयं को गंवा बैठते हैं। यतो धर्म ततो जय। हमारे देश में राजनीतिक नेता चाहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। जिस राजनीति में धर्म नहीं है वह सच्चे अर्थ में शांति नहीं ला सकती। राजनीति में धर्म का होना जरूरी है और वो धर्म मानव धर्म है। मानवता के नियमों पर चलकर राष्ट्र की सेवा सच्चे अर्थ में की जा सकती है और देशवासियों को सुखी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।